हाँ 10-15% का आपको फ़र्क पड़ेगा, और इतनी धूप में इतनी गर्मी में उतना ही फ़र्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कोई भी स्कोडा कुशाक ओन करता है ना, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 15 फेब 2023 से पहले की हो, जो राइट वाला है उससे ना कंपैरेटिवली अगर हम सेंटर वाली से बात करें थोड़ी कम होती थी, बट मेरे को अब इक्वल आ रही है, और ये राइट वाला तो यार इससे बहुत चिल्ड हवा आ रही है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए। आज है गाइस डे 262 हमारे चैलेंज का, और थंबनेल से पता लग गया होगा आज की वीडियो के बारे में। भाई हम लोग जा रहे हैं स्कोडा के सर्विस सेंटर, क्यों? एक एसी का ना सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है, जिससे वो लोग क्लेम करते हैं कि आपकी एसी की परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो जाएगी, थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। जो अब इतनी गर्मी आने वाली है उसमें आपको थोड़ा बेटर मिल जाएगा आपका अंदर का एसी की कूलिंग। तो भाई हम उसके लिए जाने वाले अपने स्कोडा के सर्विस सेंटर, चलते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस आ गए हम लोग स्कोडा के भाई सर्विस सेंटर में। ये भाई स्लाविया खड़ी है, और ये रही अपनी स्कोडा कुशाक। भाई बहुत मिट्टी मिट्टी हुई है, बहुत गंदी हो गई है। ये देखो कितनी गंदी आ रही है, कलर में यही है। एक दिन बारिश में घुमा दो ना, इतनी गंदी हो जाएगी। और अब मतलब अंदर फॉर्मेलिटी पेपर वर्क वगैरह हो चुका है, बस अब वेट हो रही है अपनी कार अंदर जाएगी, और एसी का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, जो भाई आप लोग भी सब करवा लो, बहुत मैंडेटरी है। इतनी गर्मी में आपको पड़ेगी भाई, बहुत नीड पड़ेगी आपको बढ़िया चिल्डनेस की, बढ़िया कूलिंग की। तो भाई करवा लो अपने एसी सॉफ्टवेयर अपडेट। हालांकि इनसे भी मेरी बात हुई है, जो 15 फेब के बाद की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तो गाइस ऑटोमेटिकली है वो, बट 15 फेब से पहले वाली जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है ना गाइस, तो उसमें आप लोग करवा सकते हो, ये आपको कूलिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बाकी अभी जब जब होगा मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा, तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। सो गाइस ये अपनी गाड़ी हम अंदर ला चुके हैं, इन्होंने ये पूरा रैपिंग करी हुई है अभी स्टेयरिंग को एंड सीट कवर्स को। बाकी ये देख लो, अब ये मशीन लाएंगे, मशीन से कनेक्ट करेंगे अपनी कुशाक को। अभी तो खैर वेटिंग है, ये देखो वहाँ पे दो दो कुशाक ऑरेंज, इन दोनों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, और इसके बाद दो और के नंबर है, उसके बाद अपनी होने वाली है। तो बस वेट ही कर रहा हूँ मैं कि कितनी देर वेट करनी पड़ती है हमें, देखते हैं गाइस, बाकी बताता हूँ आपको। गाइस स्टार्ट हो चुका है अपना एसी का सॉफ्टवेयर अपडेट, वही स्कैनर वाली मशीन के थ्रू ही फुली कंप्यूटराइज्ड अपडेट ही हो रहा है, और हार्डली 15-20 मिनट्स लगेंगे। बट हाँ वेट करवा दी भाई इन्होंने मेरे को, कम से कम 1.5 घंटा वेट करवा दी। बाकी एक बार करने दो कंप्लीट, बताता हूँ मैं आपको फिर। गाइस एसी सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह। ये लोग कार अब स्टार्ट करके बाहर एक रोड टेस्टिंग पे लेके जाएंगे, जस्ट टेस्ट करने के लिए कि एसी की हाँ कूलिंग में इफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो हम भी एक बार रोड टेस्ट का एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद जब हम घर की तरफ जाएंगे फिर मैं आपसे अच्छे से बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरे को कितना फ़र्क लगा एसी की कूलिंग में। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं वहाँ सर्विस सेंटर से स्कोडा के, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूँ एक्सपीरियंस, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट में टू बी प्रिसाइज 25-30 मिनट्स लगाए एग्जैक्ट, और वेट कराने में भाई घंटे से ऊपर लगा दिया, ज़्यादा ही लगा दिया। वेटिंग थी काफ़ी आज, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी वहाँ पे, मतलब आप मान लो मेरे से पहले 5 कुशाक का ये एसी सॉफ्टवेयर अपडेट होके गए। और अब मैं एक बार आपको एक्सपीरियंस बता दूँ कि भाई पहले भी जैसे मैं घर से आया था ना, तब भी मैं 2 पे ही चला के आया था एसी, अभी भी 2 पे ही है, बट यार सच्ची बताऊँ चिल्डनेस मेरे को काफ़ी फील हो रही है। मतलब इससे ना मेरे को काफ़ी चिल्डनेस फील होती थी, जो राइट वाला है उससे ना कंपैरेटिवली अगर हम सेंटर वाली से बात करें थोड़ी कम होती थी, बट मेरे को अब इक्वल आ रही है, और ये राइट वाला तो यार इससे बहुत चिल्ड हवा आ रही है। मतलब जब मैं आया था तो मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी ठंडी जितनी मेरे को अब आ रही है वापसी में। तो हाँ मतलब अपडेट करा है ना जो सॉफ्टवेयर, तो कुछ ना कुछ फ़र्क है। अब पता नहीं इन्होंने करा क्या चीज़ है, बट ये सॉफ्टवेयर अपडेट से डेफिनेटली फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं बोल सकते, बट हाँ आप मान लो 10-15% फ़र्क है, ये भी नहीं बोल सकते 30-40% फ़र्क है, बट हाँ 10-15% का आपको फ़र्क पड़ेगा। और इतनी धूप में इतनी गर्मी में उतना ही फ़र्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कोई भी स्कोडा कुशाक ओन करता है ना, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 15 फेब 2023 से पहले की हो, तो वो आज ही जाके भाई सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लो अपनी कुशाक का। और जिन जिन ने करवा चुके हैं वो लोग कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको कितना फ़र्क लगा, आपको भी मेरे जितना ही फ़र्क लगा या आपको फ़र्क ज़्यादा लगा, तो कमेंट्स करके बताओ। बाकी यही थी कुछ वीडियो जो मैंने आपको एक अपडेट देना था कि एसी का सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। बाकी हम लोग मिलते हैं घर जाके बहुत जल्दी, तब तक आप चैनल को भाई अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखो, हम लोग मिलते हैं घर जाके।
आई होप सबने वीडियो को एंड तक देख लिया होगा, वीडियो लाइक कर दी होगी और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। गाइज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो, हमें सच्ची में इस टाइम पे काफ़ी नीड है सब्सक्राइबर्स की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। अच्छे व्यूज़ ले भी आते हो बट सब्सक्राइब ज़्यादातर लोग नहीं करके जाते, तो 1 सेकेंड लगेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। बाकी स्क्वाडा ओनर्स ध्यान रखना, ये अपडेट अगर नहीं कराया तो भाई आज के आज जाके करवा लो, फ़ायदे में रहोगे, काफ़ी अच्छा फ़र्क आएगा आपके एसी की कूलिंग में। बाकी आई होप सबने वीडियो को एंड तक देख लिया होगा, हम लोग मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।